यहाँ से सर वहाँ ले गए सर मुझे गाजियाबाद, गाजियाबाद उनके फ्लैट है सर, उनमें रहा हूँ सर। सर काम करा उनका सीधा सर, किस चीज के लिए ले गए थे वो बहुत सारा काम करा सर, एक महीने तीन दिन काम कराया सर। पांच छह कुत्ते थे सर, कुत्तों को घुमाना, कुत्तों को नहलाना, कुत्तों को खिलाना सर, घर का नाश्ता खाना पूरा सर मुझसे ही बनवा देते सर, घर का झाड़ू पोछा भी करवा देते सर, और पूरे सर की पूरे बदन की मालिश करवा देते सर, और केवल मुझे चाय चाय के लिए ले जाया गया था सर वहाँ पे सर पूरा काम कराया सर, और मुझे धमकावा भी मारा भी सर। तो फिर मैं वहाँ से भागने का मौका देखते सर, तो सर मैं नयामुद्दीन तक आ गया वहाँ से किसी टेम्पू वाले सर, मैंने सर भैया ऐसे ऐसे मुझे वहाँ पे पहुँचाओ, मुझे पैसे नहीं है, तो उसने मुझे नयामुद्दीन तक पहुँचा दिया सर। 2:50 वाली सर मुझे ट्रेन मिली सर नयामुद्दीन से सर आगरा के लिए, तो सर मैं आ गया। फिर सर टीटी ने मुझे पकड़ लिया सर, कैसे कैसे मैंने भैया ऐसे ऐसे बात है। फिर मैंने सर अपना स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड दिखाया सर, फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। फिर मैं घर, फिर मैं स्कूल में पहुंचा, स्कूल में मैंने डर गई, फिर डिप्टी डायरेक्टर साहब वहां पे पहुंचे, मैंने उनसे ही बोली, फिर अभी तक कोई उनका पता नहीं सर। मैं फ़ोन करता हूँ सर उनके पास, कैसे बोलता हूँ तो सर यूँ कहते हैं सर तेरा नुकसान हो जाएगा, तू जेल में चला जाएगा, ये वो है, तू हमारे घर से पैसे लेके निकला है। कोई कहता सर उनकी लड़कियाँ, वो कहती हैं 500, उनकी मम्मी है वो कहती हैं 2000, कोई कहता 200, कोई कहता 300 सर। इसलिए सर फिर वो सर डर लग रहा है कोई सर खिलाफ, इसीलिए आज एक बच्चा जो अमित जो क्लास 10 का छात्र है और आगरा स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय में पढ़ता है, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि वो जहाँ पर पढ़ रहे हैं विद्यालय में, वहाँ के अधीक्षक द्वारा उनको एक किसी अधिकारी के यहाँ काम करने हेतु भेजा गया था, और वो किसी तरह वहाँ से परेशान होकर यहाँ वापस आया है, और इसके बाद उसने अपना शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। इस संबंध में अगर वो छात्र वहाँ का स्टूडेंट है और पढ़ाई कर रहा है और 10वीं का रेगुलर छात्र है, और इस प्रकार अगर किसी के आवास पे और उसकी उम्र भी काफ़ी कम है, इन सारे पहलुओं पर जांच कराई जाएगी। अगर किसी भी कर्मचारी का या किसी अधिकारी का कोई दोष परिलक्षित होगा तो उसके अनुसार तदनुसार कार्रवाई भी की जाएगी।